नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान शिव जी के तांडव नृत्य को यूरोप ने माना ब्रह्मांडीय शक्ति। यूरोप देश हिंदू धर्म की महानता को उजागर कर रहे हैं, पर यदि हमारे भारत देश में ऐसा होता तो सेकुलरवादी इस पर बवाल खड़ा कर इसका विरोध करते। भगवान शिव की पूजा धार्मिक नज़रिए से महत्वपूर्ण तो है ही, विज्ञान ने भी इसकी अहमियत है। ऑस्ट्रेलिया के मूल के अमेरिकन भौतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक फिट जॉफ कैपार ने शिव जी के स्वरूप नटराज के तांडव नृत्य को परमाणु की उत्पत्ति और विनाश से जोड़ा है। कैपरा ने 1972 में प्रकाशित अपनी किताब में मेन करेट्स ऑफ मॉडर्न थॉट में द डांस ऑफ शिव लेख में शिव जी के नृत्य और परमाणु के बीच समानता की चर्चा की थी। इसके बाद 8 जून 2004 को जेनेवा स्थित सॉर्न के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल्स फिजिकल्स शिव जी के नृत्य और परमाणु के बीच समानता की चर्चा की थी। इसके बाद 8 जून 2004 में जेनेवा स्थित सॉर्न के यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल्स फिजिक्स के तांडव नृत्य करते नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मूर्ति में स्वर्ण के साथ भारत के लंबे सहयोग का जश्न मनाने के लिए दिया गया था। शिव के तांडव में विज्ञान, शिव जी के नृत्य में 2 रूप है। एक है लास्य, जिसे नृत्य का कोमल रूप कहा जाता है। दूसरा तांडव, जो विनाश को दर्शाता है। भगवान शिव के नृत्य की अवस्थाएं सृजन और विनाश दोनों को समझाती है। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड में हो रहे मूल कणों के उतार चढ़ाव की क्रिया का प्रतीक है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न लेबोरेटरी के बाहर नटराज की मूर्ति रखी गई है। नटराज की मूर्ति और ब्रह्मांडीय नृत्य के बारे में कैपरा ने बताया है कि वैज्ञानिक उन्नत तकनीक का उपयोग करते हुए कॉस्मिक डांस का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। कॉस्मिक डांस यानी भगवान शिव का तांडव नृत्य, जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। तांडव करते हुए नटराज के पीछे बना चक्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ का डमरू नए परमाणु की उत्पत्ति और बाएं हाथ का अग्नि पुराण परमाणु के विनाश की ओर संकेत करता है। इससे ये समझा जा सकता है कि अभय मुद्रा में भगवान का दूसरा दायां हाथ हमारी सुरक्षा, जबकि वरदा मुद्रा में उठा दूसरा बायां हाथ हमारी जरूरत की पूर्ति सुनिश्चित करता है। पूजन सामग्री, जल, दूध, दही, शहद और फूल। उज्जैन के धर्म विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक ने शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली पूजन सामग्री पर शोध किया है। शोध में दावा है कि न्यूक्लियस रिएक्टर और शिवलिंग में समानता होती है। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। संस्थान के वरिष्ठ धर्म वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र जोशी के अनुसार न्यूक्लियर में आग के पदार्थ कार्डियफ ग्लोएकोसाइट्स, कैल्शियम ऑक्सीलेट, फैटी एसिड, यूरेकिन टॉक्सिन पाए जाते हैं। इससे पैदा होने वाली गर्मी को संतुलित करने के लिए ही शिव पूजा की मदार के फूल और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। धर्म विज्ञान शोध संस्थान के वैभव जोशी के अनुसार दूध में फैट, प्रोटीन्स, लैक्टिक एसिड, दही में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और शहद में फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ट्राई सैकराइड प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। वही दूध, दही और शहद शिवलिंग पर कवच बनाए रखते हैं। इसके साथ ही शिव मंत्र से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में चढ़ाने का काम करती है। धर्म और विज्ञान पर अध्ययन करने वाली इस संस्था ने शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाली
की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले तत्वों को वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। बिल्व पत्र से नियंत्रित होती है गर्मी। बिल्व पत्र से गर्मी नियंत्रित होती है। इसमें टैनिन, लोह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसे जैसे रसायन होते हैं। इसके बिल्व पत्र की तासीर बहुत शीतल होती है। तापीस से बचने के लिए इसका प्रयोग फायदेमंद होता है। बिल्व पत्र का औषधीय उपयोग करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, पेट के कीड़े खत्म होते हैं और शरीर की गर्मी नियंत्रित होती है। शिव के रुद्राक्ष में छुपा विज्ञान। काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र के अनुसार शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार रुद्राक्ष में पाए जाने वाले गुण मनुष्य के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं। रुद्राक्ष के केमो फार्माकोलॉजिकल नाम का गुण पाया जाता है। इस गुण से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित कर रहता है। इससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। रुद्राक्ष में आयरन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम गुण पर्याप्त मात्रा में होते हैं। रुद्राक्ष के ये गुण शरीर की नर्वस सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं। स्तोत्र दैनिक भास्कर। हमारी भारतीय संस्कृति की कितनी महिमा है और हमारे भगवान के कितने महान हैं ये विदेश के लोग भी जानने लगे हैं, लेकिन कुछ भारतवासी अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। अभी समय आ गया है कि हमारी संस्कृति की महिमा समझकर उसका अनुसरण एवं प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय श्री राम। जय शिव शंकर।